ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर स्टेटस अपडेट करने पर उदयपुर के कन्हैया लाल की सरेआम गला रुतकर की गई हत्या और उसके बाद हत्यारों द्वारा उसका वीडियो वायरल कर पीएम मोदी तक को जान से मारने की धमकी देने के मामले ने पूरे देश को जग जोड़कर रख दिया है। हालांकि राजस्थान पुलिस ने घटना के कुछ घंटों बाद ही दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटना ने जहां प्रदेश में गुनहगारों के अंदर कानून के डर पर सवालिया निशान लगा दिया, तो वहीं देश भर की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया है। घटना को लेकर बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। इसी बीच राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए एक वक्तव्य जारी कर कहा कि उदयपुर में मालदास स्ट्रीट स्थित भूत महल के पास युवक की सरेआम निर्मम हत्या एवं सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी व धमकी देने की जघन्य घटना राजस्थान के जंगल राज का जीता जागता प्रमाण है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि मानवता के दुश्मन बने बैठे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उदयपुर में की गई युवक की हत्या से उपजा तनाव का माहौल चिंताजनक है एवं इस घटना के प्रति लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। इस क्रूरतम अपराध को अंजाम देने वाले प्रदेश के अमन चैन के दुश्मन हैं, जिनका सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। राठौर ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के सिमी पीएफआई या अन्य इस्लामिक संगठन के साथ संबंध होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार को चाहिए कि वो इन पहलुओं पर भी गहनता से जांच करे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गहलोत सरकार से मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले गुनहगारों के पीछे इनके आकाओं को भी शीघ्र गिरफ्तार करे। पीड़ित परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी एवं 1 करोड़ रुपए तत्काल मुआवजा राशि दे। राठौर ने कहा कि कांग्रेस राज में तुष्टीकरण की राजनीति इस कदर चरम पर है कि अब वैचारिक भिन्नता के कारण सरेआम लोगों का गला काटा जा रहा है और धर्म का चोला ओढ़कर असामाजिक तत्व समाज में नफरत फैला रहे हैं, जो सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा हमला बोलते हुए बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लचर कानून व्यवस्था का ही नतीजा है कि असामाजिक तत्व खुलेआम बाजार में निर्मम हत्या को अंजाम देकर उदयपुर जैसे शांतिप्रिय शहर के सौहार्द्र, सद्भाव एवं शांति को छीन भिन कर रहे हैं। राठौर ने कहा कि इससे पहले चूरू, करौली, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा व हनुमानगढ़ में भी लचर कानून व्यवस्था के कारण हुई सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली घटनाएं कांग्रेस पार्टी की सरकार में वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण की राजनीति से प्रेरित थी और अब उदयपुर जैसे शांतिप्रिय शहर में ऐसी घटना होना सरकार की विफलता को दर्शा रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।